पसंद बड़ी और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है पेट्रोल विल बिकम चीपर बाय ₹9.5, गवर्नमेंट विल गेट हिट बाय 1 लाख रुपी करोड़ बर्डन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल का आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो किया इनके चैनल को, उसके अलग लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, कैसा फैसला, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट पर, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पीपल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और इसी वजह से सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है जो लगाई जाती है पेट्रोल पर डीजल पर, ये ₹8 और ₹6 कम कर दी है। इसका रिजल्ट आपको ये रहेगा कि हर जगह पेट्रोल ₹9.5 आराम से सस्ता हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मान लो कोई राज्य है, कोई यूनियन टेरिटरी है, ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचाई ही ना, वो सोचे कि थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू अभी के लिए सही कर लेते हैं, वो अलग बात है, मगर हर राज्य में आराम से ₹9.5-₹9.5 आराम से पेट्रोल सस्ता हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी वित्त मंत्री की ट्वीट है, वी आर रिड्यूसिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। इसका इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय 9.5 पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 पर लीटर। इसका झटका सरकार को कितना लगेगा, तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने लिखा है कि इट विल हैव अ रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज फॉर द गवर्नमेंट। मतलब कि रफली आप कह लीजिए सरकार ने इस एक निर्णय से 12 से लेकर 13 बिलियन डॉलर खर्च दिए हैं ताकि आम जनता को कुछ रिस्पाइट मिले। और इससे आप देखेंगे भी कि इंडिया की जो ज्यादातर स्टेट्स हैं यहाँ पर पेट्रोल के दाम ₹100 से नीचे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टेट वाइज लिस्ट है इंडिया में कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने चल रहे हैं स्टेट के हिसाब से। बिहार में थोड़े ज्यादा अभी ₹116 पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे लोगों को कुछ रिस्पाइट मिलेगी, मगर फिर भी पेट्रोल के दाम ज्यादा रहेंगे। आसाम में ₹100 से कम हो जाएंगे, गुजरात में कम हो जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका में भी 100 के आसपास का ही रहेगा मामला, मगर पंजाब, उत्तराखंड, इवन दिल्ली, ये सब जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको पेट्रोल के दाम ₹100 से कम दिखेंगे। मगर हाँ, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि हमारी वित्त मंत्री ने भी ये साफ बात बोली है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सबको, कि ये जो हमने छूट दी है ये कॉमन मैन तक ये रिलीफ पहुँचाओ, इससे अपना जो बजट है, अपना जो यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम है उसको ठीक करने में मत लग जाना। नाउ इस ट्वीट के नीचे आप देखोगे एक और बहुत ही बड़ा निर्णय ये है सरकार का कि जो गैस सिलेंडर है इस पर भी ₹200 की सब्सिडी देगी सरकार। ये ऑफ कोर्स दिया जाएगा उन 9 करोड़ बेनिफिशियरीज को जो आती हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर, और इससे भी सरकार को हर साल 6,100 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। तो ओवरऑल पूरे पैकेज की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ और चीजें भी हैं यहाँ पर, वो भी काफी बड़े निर्णय हैं। सरकार ने आराम से यहाँ पर 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स ऑल टुगेदर खर्च दिए हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल के दाम ये कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आम आदमी तो पेट्रोल परचेज करता है, मगर पेट्रोल डीजल के दाम से ही आप अगर देखो तो बाकी चीजों के जो प्राइसेस हैं ये भी कम होते हैं, बढ़ते हैं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रक्स ज़रा चार्ज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, ब्रेड, दूध, सब्जियां, सब कुछ अपने आप महंगी होती रहेगी। और सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश में जो इन्फ्लेशन है इस साल ये 5.7% से कम रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर सरकार का जो टारगेट है, आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को काबू में रखने का, ये टारगेट अभी के लिए कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। इंडिया में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 7.5 के आसपास घूम रही है, और हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा ग्लोबली हम लोग हर जगह इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इन्फ्लेशन हर जगह आपको दिखेगी। टर्की में 70% है, ईरान में 35%, श्रीलंका में 30% के आसपास है, रशिया में 17% से भी ऊपर है, यूक्रेन, पाकिस्तान में 13% से ऊपर इन्फ्लेशन है। इन सब कंट्रीज में अभी इन्फ्लेशन आप बढ़ती हुई देखोगे। इवन जो डेवलप्ड कंट्री है यूएसए में आप अगर देखो इन्फ्लेशन आपको 8.30 मिलेगी, इवन यूके में जो इन्फ्लेशन है ये आपको मिलेगी 9% के आसपास। तो दुनिया भर में आज के समय इन्फ्लेशन का जो मेन कारण है वो है तेल के बहुत ज़्यादा दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। और अमेरिका में तो इसको काफी बार बाइडन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, इसको बाइडन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, अब एक नया वर्ड इन्होंने बना दिया है बाइडन इन्फ्लेशन। और बाइडन इन्फ्लेशन भी पता है क्यों बनाया है, कई अमेरिकन इस बात को लेकर थोड़ा सा चिढ़ गए कि जब भी जो बाइडन से पूछो कि महंगाई 40 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है, बाइडन कहते हैं कि यह सब गलती है पुतिन की,
अगर पुतिन यूक्रेन पे अटैक ना करते, वॉर स्टार्ट ना करते, तो ये सब ना होता। जबकि देखिए आज के समय कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई रिपोर्ट्स ये क्लेम कर चुकी हैं कि यूएस भी वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये भी जिस तरीके से आर्म कर रहे हैं यूक्रेन को और डॉलर छाप रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाकर बस यूक्रेन को दे रहे हैं ताकि रशियंस को और अटैक करे, वॉर और जरा बेटर हो जाए। तो इस सब की वजह से कई अमेरिकन ने कहा है कि ये पुतिन की गलती नहीं है, ये बाइडेन की नीति अजीब सी थी। दिस इज नॉट पुतिन इन्फ्लेशन, दिस इज बाइडेन इन्फ्लेशन। और मैं आपको ये बता दूं, ये वॉर जितनी लंबी चलेगी आप देखोगे अभी महंगाई और बढ़ेगी दुनिया भर में। कई देश अफ्रीका में, एशिया में कोलैप्स कर सकते हैं या फिर कोलैप्स करने की कगार पे आ सकते हैं। इंडिया के साथ ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मगर हम अभी ट्रबल में है, वी आर नॉट फाइन राइट नाउ। देश के काफी फेमस जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं स्वामीनाथन अय्यर साहब, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि हमारा हाल श्रीलंका पाकिस्तान जैसा नहीं होगा, इन कंट्रीज का हाल अभी और बदतर होना है इन द नियर फ्यूचर, मगर वी आर सर्टनली इन ट्रबल। जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन उससे ऊपर जारी है, इससे इवेंचुअली आम आदमी की जेब को चोट पहुंचेगी। आम आदमी डिमांड कम क्रिएट करेगा, वो परचेज कम करेगा मार्केट में, फिर बाकी जो इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंडस्ट्री, उसके अलावा वेरियस और हमारी इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, इसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर झेलना होगा। मगर सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी कैसे, आपने कभी सोचा है? अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि आप जेन्युइनली एक बार सोच कर देखिए, दुनिया भर में कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। ऐसे टाइम में कैसे भारत सरकार इंडिया की जनता को सेव करके रखेगी इससे, हाउ विल दे डू इट? देखिए यहाँ पर बलि चढ़ाई जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2012 के आसपास इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रफली आप कह सकते हैं 340 350 बिलियन डॉलर के आसपास थे। फिर 2014 के आसपास ये जो रिजर्व है ये 370 380 बिलियन डॉलर का हुआ। उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता गया, एक बार को आके हमारे पास 620 625 बिलियन डॉलर के आसपास भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। तब से हम देख रहे हैं गिरावट स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखोगे अभी इन द फ्यूचर और गिरावट होगी। ऑलरेडी हमारे फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से नीचे गिर चुके हैं, आज फिर से 2.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। ये गिरावट इन द फ्यूचर आप और देखोगे, बेसिकली सरकार लगातार फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करेगी, क्योंकि ये जो हमने इकट्ठा किया था फॉरेक्स रिजर्व, ये स्ट्रैटजी के अंडर इकट्ठा किया था, जब दुनिया में संकट फैलेगा उस वक्त अपने पास एक अच्छा रिजर्व होगा, आराम से झेल लेंगे बुरे समय को, रेनी डेज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखिए इवेंचुअली कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी, कभी ना कभी तो पुतिन भी ठंडे होंगे, तेल के दाम वापस कंट्रोल में होंगे, फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार फिर से उठा लेंगे, मौका आएगा। और ये हमने इन द पास्ट किया भी है, 2008 में आप अगर देखो तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश आया था उसके बाद भी इंडिया ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था, और फिर 2012 तक मतलब के 4 साल लग गए, हमने रिक्लेम किया 2008 वाला स्टेटस। तो एज ए कंट्री वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हमने सोच रखा था कल को प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डू ऑल दिस। मेन अभी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एज ए कंट्री वी कीप ऑन ग्रोइंग, इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया अट्रैक्टिव रहे, जो रहेगा भी, और जब ये दुनिया भर में आर्थिक संकट जो खड़ा हो गया है जब ये खत्म हो जाएगा, इंडिया विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एज वेल। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने रिसेंटली 30 बिलियन डॉलर का फंड बनाया है फूड क्राइसिस से निपटने के लिए, ये यूक्रेन वॉर के बाद ये सब किया गया है, तो आपको बताना ये सब किसने किया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी ब्रिक्स बैंक, या फिर ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो, जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा, बाकी गूगल करोगे 30 बिलियन डॉलर फूड क्राइसिस तो आराम से आपको इसका आंसर वैसे भी मिल जाएगा, बट इधर वे मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा कि आपको इसका सही आंसर पता लगवा दूं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे है लाइव अनअकैडमी का टेस्ट, बस अटेम्प्ट करना है, मतलब लिटरली आपको लिंक पे क्लिक करना है, सुबह 11 बजे उठना है और आप ₹250 अमेजोन गिफ्ट वाउचर में जी सकते हैं। इस वाउचर को आप यूज कर सकते हो अमेजोन पे कुछ परचेज करने के लिए, प्रीटी मच एनीथिंग यू वांट। तो सिंपली जाओ यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में, ये लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पर क्लिक करो एनरोल नाउ पर, और फिर यहाँ पर सुबह जो 11 बजे का टेस्ट है 22 मई का, इसके लिए कर लेना एनरोल।
आपसे बेसिकली कुछ नंबर वगैरह मांगेंगे, रजिस्टर कर लेना खुद को, कोड मांगेंगे, कोड डाल देना PG10 और अपने आप 10:30 बजे के आसपास आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ऑल ओवर इंडिया हजारों बच्चे ये टेस्ट देंगे और सिंपली यहाँ पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है एंड यू कैन विन मेनी प्राइजेस। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आ जाती है तो आपको यहाँ पर लैपटॉप, आईपैड, वेरियस और गिफ्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं रीसेंट विनर्स के। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लकी ड्रॉ के रूप में ये अनअकैडमी की तरफ से ये एप्पल आईपैड मिला है। आई एम गुनगुन अग्रवाल एंड आई गिव अनअकैडमी Combat on 27th of Feb, in which I got rank 1 and then I received this MacBook Air. तो कल सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। I wish you all luck and attempt the test tomorrow. इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वक्त दुनिया भर में जो है इन्फ्लेशन जो है नो डाउट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यूक्रेन रशिया की जो वॉर है वो अभी तक चल रही है। हालांकि प्रेडिक्ट की जा रही थी कि जल्दी रुक जाएगी, लेकिन अब एक काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है हुआ है इस चीज को और उसका इम्पैक्ट वाकई में पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज सोच रही थी कि जिस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट देखी कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो डिफरेंट है, 120 से स्टार्ट हो रही है। आई थिंक उत्तर प्रदेश में 120 से स्टार्ट हो रही है, आंध्र प्रदेश लगा हुआ था, मैंने उत्तर प्रदेश लगा था। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पर देखूं पाकिस्तान में अभी के टाइम में 150 रुपीज पर लीटर है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी जो है डिफरेंट होता है हर सिटी में। ओके, लेकिन अगेन मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जो अगर करेंसी के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कम प्राइस है अभी भी पेट्रोल की, क्योंकि जो करेंसी है उसकी वैल्यू ही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हम लोग को लगता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। बट एक्चुअली में मुझे लगता है कि जो सब्सिडी वाला एक प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान को काफी टाइम से मतलब देता जा रहा है लोगों को सब्सिडी, मुझे लगता है कि वो चीज गलत है। और उसकी रीजन ये है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि उन्होंने अपने फॉरेक्स रिजर्व अपने इकट्ठे करके रखे इस टाइम के लिए कि अगर कोई खुदा ना खासा बुरा टाइम आ जाता है, जो कि डेफिनेटली जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे उनको पता होगा कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है, क्योंकि उनको हालात का बेहतर तरीके से पता। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उनका एक स्टेप था। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना नो डाउट पाकिस्तान पिछले, अभी मैं खाली ये पेट्रोल की बात नहीं करूंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उस पर जो है सब्सिडी दी जाती है। सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जाती है वो या तो बिजली पर दी जाती है या आपको जो है इसमें दी जाती है पेट्रोल में, बिजली पे भी सब्सिडी आपको जो है मिलती है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनमें बिजली जो है वो जो ऑयल से बनाई जाती है, जो पेट्रोल से फर्नेस ऑयल से जो बनाई जाती है उससे जो है बिजली बनाई जाती है, तो वो यूनिट आपको काफी ज्यादा हाई कॉस्ट करता है जिसपे आपको सब्सिडी दी जाती है। सबसे सस्ती बिजली जो है वो या तो पानी से बनती है या आपके जो ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल हैं उनसे आपको जो है फिर भी सस्ती बिजली जो है प्रोवाइड होती है। तो अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको जो है सब्सिडाइज करके जब बिल आता है तो आपको जरा थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन फील होता है। लेकिन गवर्नमेंट को जो है ये चीजें भी सोचनी चाहिए कि ऐसी चीजें जो उसे बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं जैसे पेट्रोल है उस पर नो डाउट एक बार इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई होगा, लोगों की जो है जो एक चीजें खरीदने की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जो है आप ये देखिए कि आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको डॉलर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉलर मेंटेन होगा तो आपकी यानी कि अगर डॉलर की प्राइस नीचे आएगी तो नो डाउट काफी ज्यादा चीजों की प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर अभी भी हम पेट्रोल की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो 150 रुपए लीटर जो है आपको पेट्रोल मिल रहा है जो कि नॉर्मल होता है। अगर आप हाई ऑक्टेन की बात करें तो वो जो है आपको तकरीबन 177 रुपीज मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे पाकिस्तान और इंडिया और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, मैं सबकी जो सिचुएशन थोड़ा पैरेलल लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि अब अगर देखा जाए इन्फ्लेशन तो नो डाउट हर जगह पर बढ़ रही है, वो तो कंट्रोल में है ही नहीं अभी, और उसकी रीजन सबको पता है कि क्या रीजन है। अमेरिका का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली इसमें एक हाथ है बिल्कुल के, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को फैसिलिटेट कर रहा है डॉलर्स छाप छाप कर और दे देकर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर बाकी लोगों की इनकम पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है जो बाकी दुनिया के लोग हैं।
इंडिया और पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी में मुझे ये चीज़ जो डिफरेंट लगती है और जो इंडिया की अच्छी भी लगती है, और वो ये कि मौजम उन्होंने इस टाइम के अंदर अपने फॉरेक्स रिजर्व जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे किए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। यानी कि उन्होंने हर सेक्टर में अपनी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर नहीं रखी। ऑन द अदर साइड अगर मैं पाकिस्तान में देखती हूँ, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा पीक पर हैं, और ऑल दो सब्सिडी देने के बावजूद जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो बहुत कम हो चुकी हुई है। मुझे लगता है कि गलती यहाँ पर ये, एक तो हमने फॉरेक्स रिजर्व पर बिल्कुल भी अपना हम कहेंगे कि उसको इकट्ठा नहीं किया, दूसरा ये कि हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज को बेटर नहीं किया, लोकल इंडस्ट्रीज नहीं यहाँ पर बनाई, ना ही उनको सपोर्ट किया। तो मुझे ये लगता है कि मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इकोनॉमी की बड़ी अच्छी समझ होगी, तो आपके जो लीडर्स हैं उनका फोरसाइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आने वाले टाइम में हमारा कंट्री किस क्राइसिस में जा सकता है अगर हमने अभी से इसका इंतजाम करना ना शुरू किया। आज अगर देखा जाए पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ आप कहीं ना कहीं पर देखते हो, जो कि एक इकोनॉमी की सिचुएशन हो चुकी है उसकी वजह से, तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने यही स्टेप्स पहले लिए होते और सिर्फ आवाम को सब्सिडी पर ना रखा होता, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी और फिर या पेट्रोल की बात करें, मैं ये नहीं कहती कि आप सब्सिडी ना दो, बट मुझे लगता है कि सब्सिडी देने के साथ साथ आपको लोगों को इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर देना चाहिए। अगर यही जो पावर प्लांट्स हैं हमारी अपनी कंट्री में बन रहे होते, मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद डिफरेंट वेज के साथ और चीप कॉस्ट के साथ जनरेट करते, तो लोगों को भी फायदा होता और गवर्नमेंट को भी फायदा होता। यार सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सब्सिडी देने की बजाय जो है वही पैसा अगर आप डेवलपमेंट में जो है वो खर्च करते, आप इंडस्ट्रीज लगाते, आप थोड़ा जो है ना रेवोल्यूशन लेकर आते ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वो काफी ज्यादा जो है बेहतर होता। तो अगर ये चीजें होती तो नो डाउट आपके पास एक तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काफी अच्छा होता, फिर उसके बाद जो है आप डॉलर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, और डॉलर को अगर आप कंट्रोल कर लेते तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीज़ों की जो है वो प्राइसेस जो है वो कम हो जाती। आप जो हम जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं लाजमी बात है उससे भी आपका जो एक फॉरेक्स रिजर्व है वो जो है घटता है, वो क्योंकि आप पे बर्डन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बेशक आप यहाँ पर बेशक आप जो बैंक ऐप्स हैं या डिफरेंट ऐप्स हैं उनमें बेशक आप पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा जब इंटरनेशनल मार्केट से आप चीज़ परचेज कर रहे हैं उनको जो है हमारा स्टेट बैंक जो है उससे जो है वो डॉलर्स में पे करना पड़ता है। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हैं, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने जो एक क्या नाम है स्टेप लिया था इम्पोर्ट जो है उस पर लग्जरी आइटम्स जो हैं वो उस पर बैन लगाने का, तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी चीज भी थी कि चले देर से सही, लेकिन जो है ऐसी चीजें जो गैर जरूरी हैं उन पे जो है आप जरा रोक लगाएं कुछ समय के लिए, आप अपने आप को जरा स्टेबल करने की कोशिश करें। वैसे मेरे मुताबिक ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये स्टेप बहुत टाइम पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि एक अलार्मिंग सिचुएशन जो होती है ना वो आपको जब आती है सिचुएशन तभी नहीं पता चलता, बहुत देर पहले आपको अलर्ट करना शुरू हो जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो मुझे लगता है आपको लोगों को ट्रेन इस तरह से करना चाहिए, लोगों को इतना अवेयर करना चाहिए। जब मैं इंडिया में लोगों को देखती हूँ, देखो कब से उन्होंने मेड इन इंडिया का एक 2014 से ये चीजें स्टार्ट की हुई है, आत्मनिर्भर भारत, आप लोगों में एक वो अवेयरनेस लेकर आए हैं और लोगों को इस साइड पर कन्विंस किया है कि हम अपनी कंट्री की चीजें बनाएंगे खरीदेंगे तो हम लोगों को ज्यादा फायदा होगा और हम एक आम मिडिल क्लास बंदे की परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी। ऑन द अदर साइड में यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर अभी भी लोगों का ये होता है कि आपका खुद की जो प्रोडक्शन है यानी कि लोकल प्रोडक्शन पर ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हुआ कि अगर हम लोग अभी किया नहीं ना गया एग्जैक्टली, क्योंकि ज्यादा तो प्रमोट किया जाता है कि भाई बाहर से जो चीजें जितनी भी आती हैं जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती है। हालांकि आप चाइना का जो माल उठाकर देख लें वो आपको बेशक सस्ता मिलेगा लेकिन वो उतना ही निकम्मा होगा। तो मुझे लगता है उसकी जगह पर अगर उस निकम्मे जो आप माल खरीद रहे हैं ना उसकी जगह पर अगर आप अपनी लोकल प्रोडक्शन की निकम्मी चीज भी बनाकर बेचेंगे तो आपके लोगों को ही कुछ फायदा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करके उन्हीं चीजों को आपको जो गवर्नमेंट है उसको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है के मंसूबे बनाने चाहिए जहां पर वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको सपोर्ट करें,
उसको ऐसे मतलब जैसे क्लासेस होती हैं उस तरह से क्लासेस देनी चाहिए, ट्रेनिंग क्लासेस देनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यार अगर ये मैं बात करूँ ना तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ों वाली, ये हमें खुद नहीं आई, ये हमारे बड़ों से जो है वो हमें ट्रांसफर हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये एक चीज़ एक वक्त में डाल दी गई थी कि भाई इम्पोर्टेड चीज़ें जो है ना वो बेस्ट हैं, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेकार है, वो उसका वो जो है ना इम्पोर्टेड के आगे कोई मुकाबला नहीं है। और देखा जाए तो वक्त के साथ साथ जो है ना नो डाउट हमें भी ये चीज़ आई, हम जो है बेशक देसी चीज़ जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन हम उसके मुकाबले घटिया इम्पोर्टेड चीज़ भी उठा लेंगे ना, लेकिन हम कहेंगे भाई ये अच्छी है क्योंकि इस पर या तो यूके का वो स्टैंप लगा हुआ है या मलेशिया का स्टैंप लगा हुआ है, कहीं और का लगा हुआ है, तो ये बेहतर है अपनी जो है वो बेहतर नहीं है, ये हमारे जहन में बिठा दी गई हुई है चीज़। और उसके अलावा जो है हम यहाँ पर जब इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदते हैं सबसे बड़ा उसका नुकसान कि आप जो है उसकी वारंटी क्लेम ही नहीं कर सकते, आप जो है वो बस आपने प्रोडक्ट खरीद लिया वो सही है वो ख़राब है वो आपका है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो है उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि भाई कोई चीज़ आप ख़राब हुई है तो आप जो है उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं अगर कंपनी आपकी नहीं सुन रही, लेकिन एक चीज़ जिसका वजूद पाकिस्तान में है ही नहीं वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना मौजम की जो माइंडसेट चेंज करने वाली बात है ना इसमें अगेन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पर ये बताया गया था कि इंडिया में पहले टाइम में जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनको काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, ठीक है ना, यही समझा जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया, अपने लोगों में वो एक जज्बा वो एक यू नो अवेयरनेस लेकर आया, तो मुझे लगता है कि वो हर जगह पर हो सकता है अगर आपकी लीडरशिप ये चीजें चाहे तो, क्योंकि हर चीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पर असर पड़ता है। अभी पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीजें आपकी परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, फिर लोगों को जो है ऑब्वियसली उतनी ही तकलीफ होगी क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे पाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सब्सिडी जो है इतना ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए, स्पेशली तब जब आप अफोर्ड नहीं कर पाए। ऑन द अदर साइड मैं इंडिया को देख रही हूँ, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व इनफ हैं कि वो अपने आप को मतलब मैनेज कर सकते हैं, और वो इस स्टेज पर जबकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में सब्सिडी दी है तो वो लोग ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, बट पाकिस्तान ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, और पाकिस्तान को इस सिचुएशन के लिए तैयार खुद को बहुत देर पहले करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, तो होमवर्क करना इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये कि दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तान में अभी जो एक इकॉनमी की एक सिचुएशन हुई है और जो एक एमरजेंसी हम लोगों को नजर आती है ये चीजें खत्म हो, और ये भी दुआ करते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी खत्म हो ताकि जो है चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाए। और अमेरिका भी कहीं पर, मुझे यहाँ पर सीरियसली बहुत सेल्फिश लगता है क्योंकि देखो वो फिर वही बात है डॉलर्स प्रिंट कर करके वो तो लोगों को सपोर्ट करता जा रहा है, बिल्कुल बात वही आगे वो डॉलर उन्हें देगा वो अमेरिका से असला खरीदेंगे वो डॉलर वापस अमेरिका चला जाएगा, तो बेसिकली देखा जाए तो घूम फिर के वहीं पर जा रहा है, बाकी दुनिया बहुत सफर कर रही है इस चक्कर में। वेल गाइज ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन, और इसी के साथ हमें जो आज हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर की पसंद प्रेस गुड बाय।